हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम हेलो कमर भाई मेरी आवाज आ रही अस्सलाम वालेकुम जी सर आ रही अच्छा अच्छा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कमर भाई सो नाइस ऑफ यू थैंक यू सो मच आपने मेरी हेल्प की हेलो ये सर आवाज आ रही है जी हां आ रही है अच्छा कंवर भाई आ, और भी लोग इंटरेस्टेड हैं एससीपी ट्रेनिंग में कोई दोस्त वगैरह आपके हो मतलब मेरे साथ जो है कोई कोई भी दोस्त आपके हो जो है एससीपी के ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हो सीखना चाह रहे हो चलिए मैं पता करता हूँ क्योंकि मेरी जॉब खत्म हो गई ना और इस वजह से मैं अच्छा अब टोटली ट्रेनिंग पे आ गया हूँ कि यार ट्रेनिंग से गुजारा कर लू ना पाकिस्तान में आपको पता है सर आप काम करके रहे थे पहले मैं असल में एक दो कंपनी में काम किया उसके बाद फिर मैं एक जगह कॉलेज था स्कूल कॉलेज बहुत बड़ा स्कूल कॉलेज है वहाँ उसका प्रिंसिपल था मेरी मेरी एटी मतलब नाइन्टी से, से तक थी ठीक है तो उसके बाद जो है से वो हो गया रिजाइन दे दिया मैंने तो तो अभी टोटली मैं ट्रेनिंग में पता टोटली मैं ट्रेनिंग के ऊपर तो हूं अभी अच्छा तो हम बात करेंगे ठीक है अह जो हमने उस दिन वेंडर के बारे में सारी चीजें कवर की थी ना ठीक है ना जी सर वेंडर मास्टर डेटा पर हमने वो किया अच्छा अब हम कस्टमर अब हम कस्टमर के ऊपर काम करेंगे ठीक है सही अच्छा तो कस्टमर तो का मैं देखता ठीक है कस्टमर अकाउंट पे इसमें हमने दोनों चीजें डिस्कस करनी थी आज मैंने आई का विजिट किया आई सी का पता है जी आई वालों के पास आई के बंदों को भी मैंने काफ़ी ट्रेनिंग दी है आई के काफ़ी बंदों को ट्रेनिंग दी है गोरमे का सी एफ ओ जो है उसको ट्रेनिंग दी और लेरेंगे डिपोजिट है पाकिस्तान के सी को ट्रेनिंग दी है सी को ट्रेनिंग दी है अच्छा तो हम डिस्कस कर रहे थे किस क्यों एक मिनट ये एक्सेल का तो ज़्यादा ही हो गया होगा इसको एक्सल hmm. कहा तो गया मैंने इसको हिलिया हटा देता हूं अच्छा तो मैं आपको यहीं पे खुद से एक्सप्लेन करके बताता हूं देखिए हमने कस्टमर को डिस्कस किया था ठीक है सॉरी वेंडर को डिस्कस किया था और कस्टमर को हमने डिस्कस करना है देखिए हम इसको एसएपी एस फरहाना पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे और यहां पे भी डिस्कस करेंगे तो पहले तो हमने इसको एसएपी ईसीई पे डिस्कस करना है फिर एसएपी एस फरहाना पे डिस्कस करना है ठीक है जो लेटेस्ट आया हुआ है तो कस्टमर और वेंडर ये दोनों हमारे पास क्या होते है? हैं बिजनेस पार्टनर कहलाते हैं कस्टमर और वेंडर क्या होते है? हैं बिजनेस पार्टनर कहलाते हैं ठीक है तो कस्टमर जो है वो अब हम कस्टमर हमारा बिजनेस पार्टनर है ठीक है लेकिन कस्टमर की कंफिग्रेशन हमने पहले देखे कोई भी चीज है ना उसका पहले हमने क्या करना होता है पहले हमने क्या करना होता है मास्टर कस्टमाइजेशन डेटा पहले क्या करना होता है कस्टमाइजेशन सबसे पहले हमें कस्टमाइजेशन डेटा देखना होता है उसके बाद हमने क्या करना होता है मास्टर डेटा मास्टर डेटा पे वर्किंग करनी होती है तीसरा जो हमारे पास होता है वो क्या होता है ट्रांजेक्शन डेटा होता है क्या होता है ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन डेटा होता है ठीक है तो आपके पास यानी तीन तरह का डेटा होता है आपके पास पहला डेटा क्या होता है कस्टमाइजेशन डेटा होता है दूसरा मास्टर डेटा होता है तीसरा ट्रांजेक्शन डेटा होता है ठीक है तो अब हमने पहले कस्टमाइजेशन डेटा इसका कस्टमर का हमने कंफिगर करना है ठीक है उसके बाद मास्टर डेटा फिर ट्रांजेक्शन डेटा की तरफ आएंगे तो इसी तरह हमने उसका भी किया था वेंडर का भी किया था तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन डेटा क्या होता है सबसे पहले हमने कस्टमर के अकाउंट ग्रुप कस्टमर्स अकाउंट ग्रुप ठीक है ना हमने इस पर वर्किंग करनी होगी कस्टमर अकाउंट ग्रुप के ऊपर ठीक है किसके ऊपर वर्किंग करेंगे कस्टमर अकाउंट पे ये क्या है कस्टमर अकाउंट ग्रुप हमारे पास कस्टमर अकाउंट ग्रुप जैसे मैं कि ग्रुप बनाऊंगा ठीक है मैं जैसे लोकल कस्टमर अकाउंट ग्रुप दूसरा क्या होगा आपका डोमेस्टिक या लोकल डोमेस्टिक भी बोलते हैं लोकल भी बोलते हैं डोमेस्टिक भी बोलते हैं और लोकल भी बोलते हैं ठीक है लोकल लोकल भी होते हैं लोकल कस्टमर अकाउंट ग्रुप भी होते हैं और डोमेस्टिक भी होते हैं ठीक है दूसरा होता है फॉरन फॉरन कस्टमर अकाउंट ग्रुप दूसरे क्या होता है फॉरन कस्टमर तीसरा होता है वन टाइम वन टाइम कस्टमर अकाउंट ग्रुप कस्टमर अकाउंट ग्रुप ठीक है फॉरन कस्टमर अकाउंट ग्रुप दूसरा क्या है

स्टेप हमारे पास यह है कि हमने इसके नंबर रेंज डिफाइन करेंगे define या भी कहते, अच्छा एस में तीन चीजें यूज होती हैं या तो बाज एडिट लिखा हुआ होता है डिफाइन तो लिखा होता है और बाजत क्रिएट लिखा होता है ठीक है तो इसका इनका मतलब क्रिएट करना ही है तो डिफाइन या एडिट या क्रिएट नंबर रेंज ठीक है ठीक है नंबर रेंजेस ठीक है उसके बाद क्या होगा डिफाइन या क्रिएट एडिट इन नंबर रेंजेस दूसरा क्या है के अब फॉर ईच ग्रुप नंबर है जो आप क्रिएट करोगे किसके लिए क्रिएट करोगे फॉर ईच फॉर ईच जो ऊपर है ना फॉर ईच कस्टमर अकाउंट ग्रुप कस्टमर अकाउंट ग्रुप ठीक है फॉर ईच कस्टमर अकाउंट ग्रुप और उसके बाद तीसरे नंबर स्टेप नंबर स्टेप नंबर थ्री में हम क्या करेंगे असाइन 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 नंबर रेंज टू एच कस्टमर अकाउंट ग्रुप ठीक है असाइन नंबर एज टू ईच कस्टमर अकाउंट ग्रुप ये तीसरा स्टेप हो जाएगा ठीक है अच्छा ये ये जो ये जो डेटा हुआ ये वाला ये जो हमने डेटा कंफिगर किया या बनाया ठीक है ये कौन सा डेटा कहलाएगा जी ये कौन सा डेटा कराएगा कस्टमर कस्टम नहीं ये कराएगा कस्टमाइजेशन डेटा ये क्या कराएगा कस्टमाइजेशन डेटा ये क्या है ये सारा क्या है कस्टमाइजेशन डेटा है तरीग. ये जितना भी किया हमने क्या किया कि ये कस्टमाइजेशन डेटा है ठीक है ये तरीग. डेटा कौन सा कराएगा कस्टमाइजेशन डेटा कराएगा ठीक है और फिर इसके बाद हम मास्टर डेटा की तरफ आएंगे फिर ट्रांजेक्शन डेटा की तरफ भी आएंगे ठीक है मैं मैं सिस्टम में इसको कैसे कन्फिगर करूंगा यानी मतलब ग्रुप कैसे बनाऊँगा सिस्टम में आ, मैं पहले आपको वो बुक की शक्ल जो ना जो एक्सेल की फाइल है वो भी उससे भी आपको मैं बताता हूँ उससे आपकी हेल्प हो जाएगी पहले मैं इसको देखता हूँ कि ये फाइल ओपन हो जाए इसमें थोड़ा बस वो है लेकिन ये पता नहीं क्यों इस तरह के शो कर रहा है या हुँ? हाँ आप सही होंगे तो हम बात कर रहे थे अकाउंट क्रेडिट नहीं कस्टमर वेंडर अकाउंट ग्रुप ठीक है ग्रुप ये है हम मेनू पाथ के जरिए ये।, ये देखें तो हमारे पास क्या है मेनू पाथ ये मैं पूरा उठाता हूँ यहाँ से पूरा उठाता हूँ और ये मैं पेस्ट करता हूं यहाँ पे ये यह है आपका मेहनपात मेनुपात क्या है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे अकाउंट सिबल में जाएंगे अकाउंट पेपर कस्टमर अकाउंट में जाएंगे मास्टर डेटा प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग कस्टमर मास्टर डेटा अच्छा यह हो जाएगा ठीक है और ये क्या है क्रिएट नंबर क्रिएट नंबर रेंज ये नंबर रेंज वाला है नंबर रेंज नहीं क्रिएट करना क्या प्रिपरेशन फॉर क्रिएट मास्टर डाटा हम क्रिएट मास्टर डाटा में जाएंगे ठीक है कहा जाएंगे क्रिएट मास्टर डाटा ठीक है अच्छा यहां से मैं इसको क्रिएट नंबर रेंज के लिए जाए क्या करूँ क्रिएट मास्टर डाटा ये हो जाएगा क्रिएट मास्टर डाटा हो जाएगा क्रिएट मास्टर डेटा क्रिएट मास्टर डेटा क्रिएट मास्टर डेटा क्रिएट मास्टर डेटा अब यही मैंने सिस्टम में करना है सिस्टम में ना तुम था मैं एस के थ्रू जा सकता हूँ और किसके थ्रू जा सकता हूँ मैं अनुपात के जरिए भी देखें आ, सिस्टम में एस पी आर ओ लिखा मैंने एंटर किया उसके बाद मैं इम्प्लीमेंटेशन गाइड में जाऊंगा रेफरेंस एमजी में किया और उसके बाद जी लोड लेने लगा मेरे में उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाऊंगा और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद अकाउंट इसउंट पेपर में जाऊंगा या पे कस्टमर अकाउंट फिर है कस्टमर अकाउंट उसके बाद मास्टर डेटा जी मास्टर डेटा के बाद क्या रहा है प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग मास्टर डेटा यह डिफाइन अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट ठीक है स्क्रीन लेआउट यहाँ पे भी जिक्र हो रहा है स्क्रीन लेआउट स्क्रीन लेआउट का मतलब क्या है क्या बताया था मैंने स्क्रीन लेआउट का दूसरा नाम क्या है स्क्रीन लेआउट का मतलब क्या है स्क्रीन लेआउट का दूसरा मतलब है फील्ड स्टेटस फील्ड स्टेट फील्ड स्टेटस ठीक है हम स्क्रीन लेआउट भी कहते हैं इसको और फील्ड स्टेटस भी कहते हैं ठीक है अच्छा फिल फिल स्टेटस क्या है और स्क्रीन लेआउट क्या है डिफाइन अकाउंट विद स्क्रीन लेआउट कस्टमर का ठीक है या इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया मैंने डिफाइन अकाउंट विद स्क्रीन लेआउट ठीक है उसके बाद ये बहुत सारे डिफाइन हुए हैं ग्रुप बने हुए ठीक है थीके? मैंने क्या करना है मैंने ग्रुप बनाना है ग्रुप बनाने के लिए मैं क्या करूंगा न्यू एंट्रेस पे जाऊंगा ठीक है मैंने ग्रुप बनाने फिर ये इन ग्रुप का क्या फायदा होगा पता है ठीक है ग्रुप का मैं आपको बताता हूँ ना ग्रुप बना क्यों रहे हैं ग्रुप के पीछे क्या रीजन है ठीक है ना ग्रुप का रीजन क्या है देखो ये ग्रुप बना रहे लोकल फॉरन और वन टाइम ये जो लोकल आप बना रहे ना इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर करें आपका एक लोकल वेंडर है जैसे अहमद प्राइवेट लिमिटेड ठीक है एक आपका लोकल कस्टमर है लोकल कस्टमर है वो अहमद प्राइवेट लिमिटेड है ठीक है तो अहमद जो होगा फिर दूसरा आपका है उसके बाद दूसरा आपके पास है आ, अली आ, अली एंड को ठीक है अली एंड ये आपकी का कस्टम कस्टमर आपसे माल लेता है अहमद लेता है और अली लेता है ठीक है तो ये क्या है आप जब भी इसका मास्टर डेटा बनाओगे ना वो इस ग्रुप में से बनेगा ठीक है और इन इन ग्रुप को जो नंबर रेंज दोगे ना एक नंबर रेंज जैसे दे दोगे लोकल ग्रुप को ना ठीक है इस लोकल ग्रुप को आगे नंबर रेंज दे दोगे जैसे आपने दे दिया इसको वन डबल जीरो वन डबल जीरो से लेकर टू डबल जीरो टू डबल जीरो तो एक नंबर रेंज होगा ठीक है ना तो ये 100, 100, 100, पहले किसको लग जाएगा अहमद को लग जाएगा और उसके जीरो वन ये किसको लग जाएगा आ, क्या नाम है नंबर में एक कॉल रिसीव कर सकता हूँ जी कर हेलो हेलो हाँ तो हम बात कर रहे थे किसकी इनकी ठीक है ना तो ये ग्रुप हम कै, कैसे क्रिएट करेंगे और ये नंबर रेंज हमें काम आएंगे किसके जब हम किसका मास्टर डाटा बनाएंगे किसी भी कस्टमर का मास्टर डाटा बनाएंगे तो हमें ये नंबर उनसे यूटिलाइज होते जाएंगे अगर हम इस वे बनाएंगे तो इस नंबर से बनते जाएगा डाटा और अगर हम फॉरन का बनाएंगे तो फॉरन का जो ना वो जो भी जैसे नंबर रेंज होगा थ्री डबल जीरो से लेकर ना तेरी, और, और तेरी जी, तेरी जी, तेरी रेंज खत्म हो जाए मतलब एक लाख लाख से दो ला तक के सारे फुल हो जाए। तो अगर हो जाता है तो आप बढ़ा सकते हैं लेकिन नंबर रेंज होता है कि यार आपके पास दस करोड़ दस करोड़ दस करोड़ तो नहीं हो सकते ना मतलब ठीक है ना कस्टमर दस करोड़ वो तो आप वो कर सकते हैं ठीक है ना तो अब हम बात करते हैं असल में देखिए मैंने एक कंपनी है जैसे नेशनल फूड वाले हैं ना मेरा दोस्त वहाँ पे है ना मैंने उनसे पूछा मैंने कहा यार आप किस तरह उनको एंटर करते हो नेशनल फूड वालों से ना तो नेशनल फूड में ने कहा कि यार नसीर हम ऐसे करते हैं ना कि हमारे कस्टमर फोर है कितने फोर मैंने कहा वो कैसे कह रहा है कि यार डिफरेंट सिटीज़ में हमने फोर हमारे कस्टमर हैं जो कि बड़े लेवल पे हैं ठीक है ना हम उनको अपनी प्रोडक्ट देते हैं वो हमारे क्या है बड़े कस्टमर है ठीक है ना वो फोर हंड्रेड बड़े कस्टमर है बायर है पाकिस्तान में जो भी है वो हमारे पास फोर हंड्रेड है उन्हीं फोर हंड्रेड को हम बड़े पैमाने पे, पे माल देते हैं फिर वो अपने नीचे लोगों को देते हैं यानी वो होलसेलर है बड़े ठीक है वो और तो नीचे तो को देते हैं फिर वो उससे आगे को देते हैं फिर उससे आगे को देते हैं तो हमारे पास ये होता है कि फोर हंड्रेड तक पूरी लिस्ट आ जाती है ठीक है ना तो हमने कहा लाखों में हजारों में बनाने होते हैं ठीक है अच्छा तो डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट पॉलिसी होती है यहाँ पे मैं आया हूँ कस्टमर के अकाउंट ग्रुप में ठीक है ना कस्टमर अकाउंट ग्रुप अब मैं ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ एल एल सी लोकल कस्टमर जीरो वन या डोमेस्टिक कस्टमर डी सी जीरो वन है तो भी लिख सकता हूँ ठीक है कोई जी? भी आप दे सकते हैं आप वन टू थ्री भी दे सकते हैं आप ए बी सी डी भी दे सकते हैं नुमेरे अल्फा नुमेरे कोई भी दे सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा लोकल लोकल कस्टमर लोकल कस्टमर अकाउंट ग्रुप ठीक है लोकल कस्टमर अकाउंट ग्रुप अच्छा इसमें भी क्या कि ना फील स्टेटस है बाहर लिखा हुआ है स्क्रीन लेआउट यहां लिखा हुआ है फील स्टेटस तो स्क्रीन लेआउट और फील स्टेटस में कोई फर्क नहीं है ठीक है अच्छा अब देखें यहां पे देखें जनरल डेटा है कंपनी कोड डेटा है और सेल डेटा आ रहा है तीन तरह का डेटा आ रहा है कौन सा डेटा जनरल डेटा कंपनी कोड डेटा और सेल डेटा जनरल डेटा क्या होता है ये तो आपके क्लाइंट लेवल पे होता है. That is accessible for all होता है। है कंपनी कोड। जो जनरल जनरल ना, वो क्या होता है? वो आपका जनरल क्या फायदा होता है, है. है? क्लाइंट लेवल पे क्लाइंट लेवल पे इसलिए होता है तो कि जो जनरल डेटा होता है दैट इज एक्सेजेबल जो क्लाइंट लेवल पे डेटा होता है वो क्या होता है एक्सेजेबल फॉर ऑल कंपनी कोड्स जितने भी कंपनी कोड होंगे ना इस सर्वर पे जो क्लाइंट होगा जो हमारा एट अ क्लाइंट है या डबल जीरो क्लाइंट है जो या ट्रिपल जीरो क्लाइंट है जो भी है ना वो क्या है एक्सेजल फॉर ऑल कंपनी कोड जो क्लाइंट लेवल पे होता है जनरल डेटा दैट इज एक्सेबल फॉर ऑल कंपनी कोड ठीक है जनरल डेटा होता है उसके बाद हमारे पास है कंपनी कोड डेटा कंपनी को डेटा जो कि फाइनेंशियल काम के लिए यूज किया जाता है फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो मेंटेन करता है वो आपका कंपनी कोड डेटा मेंटेन कर रहा होता है ठीक है जो फाइनेंशियल पर्पज के लिए यूज होता है और इसके बाद तीसरे नंबर पे वो सेल्स डेटा सेल्स डेटा सेल्स डाटा क्या होता है देखें यहाँ पे

और कंपनी कोड जो है वो आपका फोर डिजिट जो होता है वो कौन का कंफिगर करता है फाइनेंशियल कंसल्टेंट और सेल्स के रिलेवेंट जितनी भी कंफिगरेशन होती है वो कौन करता है आपका एस डी कंसल्टेंट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसल्टेंट ठीक है अच्छा क्लाइंट जो जनरल डेटा होता है वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी कर सकता है <coughs> और फाइनेंशियल फाइनेंशियल वाला भी कर सकता है एम mm एम वाला भी कर सकता है जो भी है वो कर सकता है उस डेटा को मैनेज ठीक है अच्छा तो अब आप इसके अंदर फील्ड्स होती हैं ठीक है ना ये जो जनरल डेटा है इसके अंदर वो सारे ग्रुप है ये तो ग्रुप होंगे इनके अंदर ग्रुप है इसके अंदर ग्रुप है इसके अंदर ग्रुप है और ग्रुप के अंदर फिर फील्ड्स नजर आएंगी ठीक है जैसे कि इसमें डबल क्लिक करता हूँ जनरल डेटा पे डबल क्लिक करता हूँ ये फील्ड स्टेटस है इसमें मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखें इसके अंदर आपको ये अकाउंट ग्रुप ये क्रिएट कर रहे हैं ये लोकल कस्टमर अकाउंट ग्रुप आप क्रिएट कर रहे हैं उसके जनरल डाटा के अंदर आ गए जनरल डाटा के अंदर बहुत सारे आपके पास ग्रुप आ रहे हैं और इन्हीं ग्रुप में से कोई भी आप सेलेक्ट करें उसके अंदर फील्ड नजर आएंगी जैसे एड्रेस पे एड्रेस पे डबल क्लिक किया आपने तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि कस्टमर का जब आप कस्टमर का मास्टर डेटा बनाएंगे तो उसके नेम वाले में नेम फर्स्ट में क्या रखेंगे फॉर्म ऑफ एड्रेस में क्या रखेंगे मतलब जो भी चीज आप टाइप करेंगे तो उस एंट्री को आप रिक्वायर्ड एंट्री बनाना चाहते हैं ऑप्शनल एंट्री बनाना चाहते हैं डिस्प्ले एंट्री बनाना चाहते हैं जैसे हमने वेंडर के अंदर पढ़ा था ठीक है ना जी हाँ वेंडर के अंदर पढ़ा था है ना वो चीजें इधर भी वही चीजें आ रही हैं ठीक है ठीके? लेकिन यहाँ पे जो डेटा है वो कस्टमर से रिलेवेंट है और वहां पे जो डेटा है वो वेंडर से रिलेवेंट है दोनों चीजें एक जैसी हैं क्योंकि वहां पे कस्टमर यहाँ पे कस्टमर को आप प्रोडक्ट सेल करते हैं ठीक है पेमेंट रिसीव करते हैं और ये एक अलग साइकिल है ठीक है ये क्या है ये अलग साइकिल है ठीक है ऑर्डर टू कैश सॉरी वो है टू पे और ये ऑर्डर टू कैश मतलब आप इसको रिसीव करते हो ठीक है ऑर्डर टू कैश आप ऑर्डर रिसीव करते हो ठीक है आप ऑर्डर रिसीव करते हो सेल मतलब सेल इंक्वायरी रिसीव करते हो सेल ऑर्डर रिसीव करते हो फिर उसके बाद आप जो है ना उसकी प्रोसेस करते हो आप आगे जाके प्रोडक्ट डिलीवर करते हो ठीक है और उसके बाद क्या है उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करते हो ठीक है तो ये एक अलग साइकिल है और जबकि आपका प्रोक्योर टू पे क्या है उसमें अलग साइकिल है ठीक है वहाँ आप चीज़ प्रोक्योर करते हो वेंडर से फिर उसको प्रोसेस है ठीक है गुड रिसीड्स इनवाइसिट्स फिर जाके उसको पेमेंट रिलीज करते हो ठीक है तो वो जो प्रोसेस है वो अलग है और ये प्रोसेस अलग है ठीक है ये बिजनेस प्रोसेस होते हैं तो यहाँ तक अगर किसी एंट्री को आप ये चाह रहे हैं कि यार ये जो स्ट्रीट है ना

ये कंट्रोलिंग पैरामीटर्स होते हैं ये कंट्रोलिंग चेक होते हैं जो कि सिस्टम में लगाए जाते हैं ठीक है ना अच्छा इसके बाद ये क्या है ये आपका जनरल डेटा की फील्ड्स हो गई ठीक है और इसी तरह आपके पास क्या होता है एक कंपनी कोड डेटा की फील्ड्स भी होती है ठीक है ये देखिए कंपनी कोड डेटा तो ये जितनी फील्ड्स होंगी ये एफ आई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं आपको ये फाइनेंस से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे है, 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 हैं जैसे अकाउंट मैनेजमेंट है पेमेंट ट्रांजेक्शन है कॉरेस्पॉन्डेंस है इंश्योरेंस है विद होल्डिंग टैक्स तो ये जितनी भी चीजें हैं

कैश मैनेजमेंट ग्रुप है इस तरह प्रीवियस अकाउंट नंबर है सोर्ट की है एड ऑफिस है तो ये जितने भी हैं आपके पास क्या है ये सारे फील्ड्स कब आ रहे होंगे जब हम क्या करेंगे जब हम एफ uh, आई जब हम कस्टमर uh, को कस्टमर uh, को मास्टर मास्टर डेटा को क्रिएट करेंगे तो हमें उसके uh, जो इंफॉर्मेशन वहाँ रिक्वायर्ड होगी वो ये सारी चीजें आ रही होंगी ये वाली चीजें सारी वहां पे आ रही होंगी ठीक है अच्छा तो uh, ये इसका हुआ क्या इंफॉर्मेशन किसका एफ से रिलेवेंट ठीक है ये पेमेंट ट्रांजेक्शन से फिर पेमेंट ट्रांजेक्शन भी <coughs> टर्म्स ऑफ पेमेंट्स हो गए बिल एक्सचेंज हो गया पेमेंट ब्लॉक हो गए पेमेंट ब्लॉक करनी है अगर ब्लॉक करनी है तो रिक्वायर्ड फील्ड उस उस कस्टमर की आप पेमेंट ब्लॉक कर दोगे ठीक है यानी पेमेंट ब्लॉक हो जाएगी उसकी ठीक है कस्टमर की पेमेंट मेथड <coughs> उसका कैसे लिखना है किस चेक के जरिए रिसीव करना है उनको जो है ना आप और लाइन ट्रांसफर करना है क्या तो वो पेमेंट मेथड में आ जाता है ठीक है बहुत सारी चीजें यहाँ पे इस तरह होगी क्लियरिंग विधर क्लियरिंग वेंडर होगा कि आपका वो वेंडर भी है कस्टमर है और आपका वो वेंडर भी है ताकि उस, उसके साथ आप क्या करते हो एडजस्टमेंट करते हो कोई क्लियरिंग करते हो उसकी इंटरेस्ट ठीक है आप उसे माल खरीदते भी हो और आप उसको माल बेचते भी हो तो वो आप फिनिश प्रोडक्ट आप उनके ऊपर सेल करते हो रामा टेल उससे खरीदते हो तो इस तरह वो फिर क्या होगा विद वेंडर हो जाएगा वो कस्टमर ठीक है अच्छा नेक्स्ट पे क्या है ठीक है ये डिफरेंट आएंगे हाउस बैंक उसका कौन सा है उसकी पेमेंट रिक्वायर्ड क्या है ठीक है तो पेमेंट एडवाइस नोट क्या होता है ठीक है पेमेंट एडवाइस विद ईडीआई ठीक है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ठीक है तो ऑनलाइन कैसे पेमेंट करनी है आरटीजीएस के थ्रू करनी है क्या ठीक है तो ये हुआ आपके पास क्या कंपनी कोड डेटा इंफॉर्मेशन और अदर सेल डेटा इंफॉर्मेशन सेल डेटा आपके पास क्या होगा सेल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होगा जैसे सेल्स पे मैंने क्लिक किया सेल्स ग्रुप है स्टैटिस्टिक ग्रुप है कस्टमर ग्रुप है सेल डिस्ट्रिक्ट तो ये अब सेल से रिलेवेंट है प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है इसका <coughs> कंडीशंस क्या डिफाइन हुए हैं ठीक है ठीके? तो वो सारे सेल रिलेवेड डेटा यहाँ पे आएगा ठीक है किसको ऑप्शन रखना है किसको कम्पल्सरी रखना है और रिक्वायर्ड रखना है किसको सप्रेस करना है आपने ये वाला रेडियो बटन ये क्या कहलाता है ये बुल बटन ये रेडियो बटन कहलाता है ठीक है आप इसको इधर एक्टिवेट करें तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपने इसको एक्टिवेट करना है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है मैं कहता हूँ तो इस तरह का है ठीक है जैसे शिपिंग है ठीक है शिपिंग डेटा है तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी ये होता है और सेल्स के अंदर भी ये डेटा आ रहा होता है ठीक है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट एक अलग मॉड्यूल है एस का ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट अच्छा इसके बाद मैंने इसको क्या करना है सेव करना है तो मेरे पास ये सेव हो गया ठीक है एंटर ये मेरे पास क्या आ, एक ग्रुप बन गया ठीक है एक ग्रुप बन गया दूसरा ग्रुप बनाने के लिए मुझे थोड़ा क्या करना है बैक अब यहाँ पे न्यू एंट्रीज ये ग्रुप बन गया पहला वाला अच्छा मैंने इसके साथ एक चीज नहीं लिखी क्या कि यार कंपनी कोड लिख लेता ताकि मुझे याद पता चले कि ये मेरे मैंने बनाया यहाँ पे लास्ट में कंपनी कोड लिख लूंगा कंपनी कोड क्या है कंपनी कोड क्या है हमारा एल यू सी वन जी एल यू सी वन अच्छा है मैं वेल्थ सी एल वेल यू सी में थोड़ा कुछ हो गया था एल यू सी वन ठीक है ठीक ये हो गया ठीक है इसके बाद बैक ये हमारे पास बन गया ठीक है इसके बाद मैं न्यूट्री पे दोबारा क्लिक करता हूँ अब मैंने इसको क्या करना है फॉर्म का बनाना है एफ सी जीरो वन फॉर्म कस्टमर अकाउंट को ठीक है तो एफ सी जीरो वन क्या हो जाए उसके बाद जनरल डाटा कंपनी चीज है जो इधर भी देखे वही चीजें आ रही होंगी और जो है आपके सेम सेम फील्ड स्टेटस आ रहे होंगे ठीक है ना और अगर आप फील्ड स्टेटस को देखेंड का बटन है अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा पोजिशन दि करसर ऑन दील्ड स्टेटस टू बी एडिटेड तो कौन सा कोई एडिट करना होता है तो आप इस पे क्लिक करें तो तब जाके वो एडिट होगा ठीक है तो इसमें से किसी एक पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट करेंगे फिर एडिट तो मैं इसमें कोई चीज चेंजिंग नहीं करना चाह रहा ये डिफॉल्ट से है सेटिंग तो डिफॉल्ट चीजों को चेंज नहीं करना ठीक है वो डिफॉल्ट ही सब चीजें अच्छा ओके और उसके बाद दो ग्रुप बन गए तीसरा ग्रुप बनाने के लिए मुझे थोड़ा बैक होना चाहिए तो फिर न्यू एंट्रेस पे क्लिक करना होगा न्यू एंड्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मैंने क्या किया फॉरन का क्रिएट किया और एक लोकल का तीसरा लो, वन टाइम वन, वन टी सी वन वन टाइम कस्टमर वन टाइम कस्टमर अकाउंट ग्रुप ये क्या हो जाएगा वन टाइम कस्टमर अकाउंट ग्रुप ये मैं कस्टमर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ बल्कि ग्रुप सिर्फ क्रिएट करो सही फिर मैं जब मैं ग्रुप क्रिएट कर लूंगा ना उसके बाद फिर मेरे लिए आसानी होगी कि मैं Uh, एक एक का कस्टमर का मास्टर डेटा क्रिएट करूंगा वन टाइम के लिए मुझे इस बट को एक्टिवेट करना होगा वन टाइम कस्टमर अकाउंट ग्रुप को इस को चेक को एक्टिवेट करना होगा ठीक है इसका भी वही जनरल डेटा कंपनी को डेटा सेल डेटा अच्छा बेक होता हूँ ये पहला स्टेप परफॉर्म किया मैंने इस वक्त मैंने कस्टमाइजेशन डेटा का पहला स्टेप परफॉर्म किया दूसरा स्टेप मेरे पास क्या है दूसरा स्टेप क्या है मेरे पास दूसरा स्टेप हमारे पास है क्रिएट नंबर रेंज फॉर कस्टमर अकाउंट ठीक है मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ बटन पे और यहाँ पे देखो तीन चीजें आ रही है पास, ये जो इंटरवेल है ये ये इंटरवेल है ठीके? ये जो इस तरह ग्लासेस का बटन होता है ना ये इससे ये मुराद होता है कि ये आपको डिस्प्ले करेगा देखो नहीं नीचे डिस्प्ले लिखा हुआ आ रहा है ना ठीक है तो ये आपको डिस्प्ले डिस्प्ले करेगा यानी इससे पहले कौन कौन से नंबर रेंज क्रिएट किए गए हैं इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें ये ये आपको बताया जा रहा है ठीक है कि इससे पहले ये नंबर रेंज क्रिएट किए गए तो इन्होंने किसी को एक्सटर्नल बनाया देखिए ना ये ताश जो पता नहीं पता नहीं पागल था है क्या था है, जो नहीं नहीं, इसको एक्सटर्नल बनाया ठीक है थीके? तो ये एक्सटर्नल पे टिक मत करना ठीक है क्योंकि फिर आपको हर कस्टमर को एक्सटर्नल से ये होता है कि जब आप किसी कस्टमर का या आपको कैसे पता चलेगा यार कि आप सिक्वेंस आपसे हट भी सकती है आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो वन थ्री फोर टेन एलेवन फिफ्टीन ट्वेंटी अच्छा इस तरह क्रिएट हो जाएंगे आपसे आप तो सिक्वेंस में नहीं रहेगा तो इसलिए आप इसको जो ज्यादा एक्सेल पे टिक मत कीजिएगा ताकि आप सिस्टम खुद दे सिस्टम जो नंबर खुद देगा तो वो सीक्वेंस में देगा ठीक है आप खुद से मैनुअल दोगे तो मैनुअल तो आपसे आपको क्या याद रहेगा कि यार चलो ये दे दो ये दे दो इररेगुलर आपके जो कस्टमर की रेंज हो जाएगी ना नंबर के हिसाब से कोडिंग जो जाएगी, हो जाएगी वो इररेगुलर हो जाएगी ठीक है आपने इसको

देखो ना जीरो कोई भी किसी ने भी अभी तक मास्टर डेटा कस्टमर का क्रिएट नहीं किया सर्वर पे ठीक है तो हमने क्या करना है क्रिएट करना है क्रिएट करने के लिए इंटरवेल्स पे जाऊंगा ये इंटरवेल है इंटरवेल पे क्लिक किया अच्छा मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ क्यों मैं डिलीट क्यों कर रहा हूँ यार यार किसी ने यूज ही नहीं किया मैं चलो डिलीट करके अपना फ्रेश क्रिएट कर लेता हूँ ये मैं खुद से क्रिएट कर डिलीट कर रहा हूँ ठीक है ना ये वाले ये वाले जो ना जितने ये वाले डिलीट कर लेता हूँ ठीक है ये मैंने माइनस के बटन पे किया डिलीट हो गए ठीक है अच्छा ये वाले भी डिलीट कर लेता हूँ

डू यू वॉन्ट टू बाहर आया। अब देखो दोबारा देखो गया? आ रहे वापस? जी। Undo इस तरह नहीं होता आप कह रहे हैं कि पे? अब हुआ क्या होगा जो आपने डिलीट किया ना आपको क्या करना है कैंसिल करना है और अगर आपने save अगर आपने सेव कर दिया ना तो फिर तो फिर वो चले गए वापस नहीं आएगी ठीक है ना सही है अच्छा अब मैं देखो सेव कर रहा हूँ क्यों जो मैंने कर दिया ना उसको मैं सेव कर रहा हूँ रहा है कि सारे डिलीट हो गए मैंने कहा यस अब देखो क्या अब मैं वापस होता हूँ अब मैं दोबारा इधर लॉग इन होता हूँ अब मैं क्रिएट करता हूँ शुरू से पहला वाला क्रिएट करता हूँ जीरो वन मैं सीता वन से लेकर हंड्रेड तक ठीक है इंटर तो मैं सेव कर लेता हूँ ठीक है दूसरा क्रिएट करने के लिए फिर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ दूसरा जीरो टू क्या हो जाएगा वन हंड्रेड वन सॉरी वन हंड्रेड वन से टू हंड्रेड ठीक है ना मैं ये कंजूसी कर रहा हूँ ठीक है ताकि जब प्रैक्टिस कोई करे ना तो मतलब खराब ना करे मतलब ज्यादा नंबर इंजावर है अगले बंदे को प्रॉब्लम ना वो भी उससे आगे सीक्वेंस में नंबर दे दे, दे आसानी से ठीक है उसके बाद ये मैं तीसरा तीसरा क्रिएट करने के लिए जीरो थ्री नंबर रेंज दे दूंगा क्या और टू हंड्रेड वन से थ्री हंड्रेड तक ठीक है और ये फोर फोर का दे दूंगा फोर हंड्रेड फोर सॉरी थ्री हंड्रेड वन से थ्री हंड्रेड वन से फोर हंड्रेड तक ठीक है इस तरह आप मल्टीपल दे सकते हो इंटर किया एंड देन क्लिक ऑन सेव अच्छा फर्ज करें मैं एक ऐसा नंबर रेंज क्रिएट करता हूँ के जो इसके अंदर आ रहा होगा देखो सिस्टम क्या कहता है मैं एक और क्रिएट कर रहा हूं जीरो क्रिएट करता हूं से मैं क्रिएट करता हूं दो सौ से तीन सौ तक देखो सिस्टम क्या कहता है दो सौ से तीन सौ तक ठीक है और मैं इंटर करता हूँ अच्छा क्या कह रहा है इंटर क्या लिखे इंटर इंटर वेल विदाउट अवर लेप कह रहा है कि यार आप जो नंबर एंटर कर रहे हो ना 200 से 300 तक ये तो लेप हो रहा है कैसे देखो ये यहाँ पे मौजूद है ये यहाँ पे मौजूद है।, है।, है यहाँ पे मौजूद है ठीक है लिहाजा एंट्री करो विदाउट वाला देखो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो कह रहा है कि नहीं यार नहीं हो रहा है क्योंकि ये देखो अवर हो रहा है ये आपका ठीक है तो ये सेव नहीं होगा मैं इसको क्या करूंगा देख लिखो डिलीट मुझे क्या करना होगा इससे ज्यादा नंबर रेंज देना होगा सबसे बड़ा नंबर रेंज ये इसके बाद से मुझे शुरू करना होगा सही? ये होता है अच्छा ये आप क्यों करें? अब असाइन नंबर रेंज टू कस्टमर अकाउंट ग्रुप तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है असाइन नंबर रेंज टू कस्टमर अकाउंट ग्रुप अब हमने असाइन करना होगा असाइन कैसे करेंगे सिस्टम में यहाँ पे आ गए पोजीशन पे क्लिक करूंगा

अच्छा जब बुक्स लिखी जाती है ना टेक्निकल लैंग्वेज इंग्लिश में ना क्रिएटिव रिटर्न स्किल में बुक लिखी जाती है ना तो वहां पे और लफ्स के बारे में कि यार ईच मतलब ये लिखा हो ना देखो डिफाइन एंड क्रिएट नंबर रेंज फॉर ईच कस्टमर अकाउंट ग्रुप ठीक है एंड असाइन नंबर रेंज टू ईच कस्टमर अकाउंट ठीक है ना ये ईच जो लफ्ज है ना इसका मतलब ये है कि यार एक